संत महात्मा अंतरात्मा की आवाज को अनसुना नहीं करते हैं और सेवा का फल नगदो नगद देते हैं। जी हाँ, कल बाबा जी ने भी सेवादारों को घर से बुलाकर न केवल दर्शन दिए बल्कि इतने खुशियों से भर दिया कि जिसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा वाक्य था जो कि रूहानियत के इतिहास में दर्ज हो गया, जिसकी चर्चा समय समय पर होती रहेगी। नमस्कार, राधा स्वामी, मैं हूँ प्रीति चंद्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सिटी वाइब। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के पिलखने स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के मेजर सेंटर की, जहाँ आरएसएसपी प्रमुख आदरणीय बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी ने कल उत्तराखंड से वापस आकर सेवादारों को दर्शन देते हुए खुशियों से निहाल किया था। आइए आपको बताते हैं सारा किस्सा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पिलखनी स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र पर बाबा जी 8 नवंबर की शाम पहुंचे थे और अगले दिन यानी कि 9 नवंबर और समय भी ठीक सुबह के 9 बजे सत्संग पंडाल में पहुंचे और स्टेज पर विराजमान हो गए। बाबा जी ने सवाल जवाब सत्र में संगत के सवालों का जवाब देते हुए न केवल उनकी शंकाओं का समाधान किया बल्कि जीवन के लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए कह गए कि भजन सुमिरन करना सबसे जरूरी है, क्योंकि भक्ति मिलती नहीं बल्कि खुद करनी पड़ती है। आधे घंटे के सवाल जवाब सत्र के बाद बाबा जी ने पंडाल में उपस्थित हजारों की सात संगत को खुली जीप में सवार परंपरागत तरीके से दर्शन देकर निहाल किया और कुछ ही देर में उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। इस दौरान सत्संघर से लेकर बाहर या यूं कहें कि कई किलोमीटर तक अलग अलग स्थानों पर सेवाओं में लगे सेवादारों को बाबा जी के दर्शन नहीं हुए। कुछ ऐसे भी थे जो 48 घंटे से सेवा कर रहे थे लेकिन उनके मन में कुछ आया हो या नहीं, लेकिन बाबा जी तो जाने जहान है और हुआ भी ठीक ऐसा ही। बाबा जी जब अगले दिन यानी कि 10 नवंबर को सीधे उत्तराखंड से देहरादून स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र पर बड़ी संख्या में उपस्थित सात संगत को सुबह दर्शन देकर वापस दोपहर में सहारनपुर के पिलखने सत्संग केंद्र पहुंचे, बाबा जी ने सत्संग केंद्र पर उपस्थित सेवादारों को कार में बैठकर दर्शन दिए और फिर बाद में दोपहर बाद करीब 3 बजे सभी सेवादारों को सत्संग पंडाल में बुलाकर अपने दर्शन देते हुए खुशियों से निहाल कर दिया। यहाँ खास बात ये थी कि जो सेवादार पहले दिन सेवा करके घर जा चुके थे उन्हें भी सत्संग केंद्र बुलाया गया था और सेवादार बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, बाबा जी कभी भी किसी की सेवा का फल जाया अर्थात व्यर्थ नहीं जाने देते। इसके बाद बाबा जी चंडीगढ़ के लिए प्रस्थान कर गए। अभी के लिए इतना ही, एक बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूट्यूब सिटी वाइब को। तब तक के लिए धन्यवाद।